4 फरवरी को होने वाले चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह की तैयारी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल पर संपन्न हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि शहीद स्मारक स्थल के कार्यों को 4 फरवरी से पहले पूरा किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चौरी चौरा स्मारक के सामने रेलवे की भूमि को शहीद पार्क के रूप में विकसित किया जाए तथा शहीद स्मारक स्थल तक आने वाली सड़क को ठीक कराया जाए तथा रेलवे लाइन के आसपास एवं शहीद स्थल तक आने वाली सड़क पर विशेष सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौरी चौरा के लोगों का प्रयोग सभी शासकीय पत्राचारों एवं स्मृति चिन्हों तथा अन्य स्थानों पर भी किया जाए। उन्होंने चौरी चौरा रेलवे स्टेशन को विकसित करने हेतु प्रस्ताव बनाकर रेल मंत्रालय को भेजने हेतु निर्देशित किया। बैठक में बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, विधायक चौरी चौरा संगीता यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, एडीजी जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, हमारी गाड़ी में अब आप लोग फोटो लेकर देखिए, हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है। चोरी चोरा का नाम केवल इतिहास में, हम लोग एक ही लाइन में पढ़ते थे उस समय में, यहाँ का जनता लोग ने ताना फुकाया गया है, उसके बाद फिर 19 लोग का फांसी चढ़ाया गया है। किसी को नहीं पता है इसका पूरा इतिहास क्या है, ताकि ये एक जन आंदोलन के रूप से रहा है। उस समय में हज़ारों लोग उस पर शामिल थे, उस पर तो 200 के ऊपर लोग का फांसी सुनाया गया है। उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी और बहुत महानुभूति लोग ने बहस करके और आर्ग्यू करके उसका सब लोग का माफ़ कराया गया है, फिर 19 लोग का फिर फांसी चढ़ाया गया है। ये जगह तो पहले तो यानी 30-40 साल पहले स्मारक के रूप से यहाँ स्थापित हुआ था, बट उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिए हैं, मेंटेनेंस नहीं हुआ था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले इसका बजट रिलीज़ किए हैं, उसका जीर्णोद्धार हो गया है। ये करीब तो 1.5 करोड़ रुपया का खर्चा हुई थी उस पर, और इसके स्मारक का पूरा पत्थर हम लोग चेंज किए हैं, ताकि उस समय में नॉर्मल पत्थर में था, उसके बाद मार्बल में ग्रेनाइट में हो गया था, और बाकी जो यहाँ का भवन का रंगाई पुताई से लेके सारे बहुत ख़राब स्थिति पे था पहले। ये मतलब एक तरफ से ना के बराबर था ये जगह, ये उभर के आपके सामने आ गया है। और 4 तारीख के बाद पूरे साल इस पर विभिन्न कार्यक्रम चलेगा, उसका आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप लोग भी आ जाओ। आज एक तरफ से तैयारी मीटिंग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ 4 तारीख के बाद जो होने वाले कार्यक्रम का एक रूपरेखा तैयार करेंगे। वैसे पहले ही हम लोग को निर्देश दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसी दिशा पर हम लोग बहुत सारे काम कर चुके हैं, और आगे भी किन किन विभाग का क्या क्या जिम्मेदारी है उसको स्पष्ट करेंगे और आगे मार्गदर्शन देंगे, उसी के लिए आ रहे हैं।